किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार के भाव के बारे में। किसान भाइयों, ग्वार के भाव में दिन प्रतिदिन तेजी बढ़ती जा रही है। क्या ग्वार का भाव 8000 का आंकड़ा पार कर सकता है? इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, आगामी दिनों में ग्वार का क्या भाव रहेगा? किन बड़े कारणों से ग्वार के भाव में तेजी बढ़ सकती है? किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ग्वार की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने किसान दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। आपको हमारे चैनल पर खेती से संबंधित एवं मंडी भाव की डेली अपडेट मिलती रहेगी। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वार के भाव के बारे में। किसान भाइयों, अभी ग्वार के भाव में दिन प्रतिदिन तेजी बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से ग्वार के भाव में मंदी देखने को मिल रही थी। किसान भाइयों, अभी एक सप्ताह से ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और ग्वार का भाव 6000 के आसपास देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, पहले समय था जो ग्वार का भाव 10000 से अधिक देखने को मिला था, किंतु किसान भाइयों फिर गिरावट देखने को मिली थी। किसान भाइयों, अभी एक सप्ताह से ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और ग्वार के भाव में 200 से 300 की मध्य तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अभी ग्वार का भाव 6000 के आसपास बना हुआ है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आगामी दिनों में ग्वार का क्या भाव रहेगा, किन कारणों से ग्वार के भाव में तेजी आ सकती है। किसान भाइयों, आगामी दिनों में यानी कि अक्टूबर व नवंबर महीने में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसान भाइयों त्योहारी सीजन के चलते अगर ग्वार की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है तो ग्वार के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अभी मंडियों में ग्वार की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है और ग्वार की बम्पर आवके देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, अभी ग्वार की नई फसल को आने में काफ़ी समय लगेगा और व्यापारियों के पास भी ग्वार का स्टॉक बहुत कम मात्रा में है। किसान भाइयों, इसके चलते अगर मंडियों में ग्वार की आवक कम होती है और डिमांड अगर ऐसे ही बढ़ती है तो ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और ग्वार का भाव 8000 के आसपास देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर व नवंबर महीने में ग्वार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते ग्वार की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है और मंडियों में ग्वार की आवक कम होती है और आने वाले समय में भी ग्वार की अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है तो ग्वार के भाव में जोरदार तेजी आएगी और ग्वार का भाव 8000 से अधिक देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। आप अपने माल को बेचने व खरीदने का निर्णय अपने स्वयं के मार्ग से लें। मिलते हैं अगले ऐसे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।